भुखमरी और कुपोषण में अंतर करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये बच्चों की मौत किस वजह से हुई है। और जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, जुआंग जो आदिवासी हैं वो सारे सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित हैं, पेयजल से वंचित हैं, सैनिटेशन से वंचित हैं। तो अगर आप ऐसे समुदाय की बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है वो पर्याप्त नहीं है। आपके FCI में कितना भी गोदाम में अनाज हो, आप कितना भी अनाज बांट लें, नहीं बांटा वो अलग बात है, लेकिन कितना भी बांट लें उससे ये समस्या ख़त्म नहीं होगी।